देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। आज डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की चर्चा देश भर में जोर शोर से है, लेकिन इन योजनाओं की जमीनी हकीकत को खंगाले तो हवाबाजी से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आता। असल में सरकार की ऐसी कई योजनाएं देश भर में CHC के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन CHC की ज्यादातर योजनाएं खाना पूर्ति से कुछ नहीं है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। ताजा मामला है बेंगाबाद के मोतीलेधा गांव का। यहां मां सावित्री इंटरप्राइजेस संस्था द्वारा सैनिटरी नैपकिन निर्माण हेतु कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नमेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा डुप्लीकेट मशीन भारी कीमतों पर देकर ठगी की गई। हालांकि इस बात की शिकायत जब संस्था संचालक से CHC से की तो कंपनी के लोगों ने यूनिट बंद कर राशि की वापस कर देने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्त्री स्वाभिमान योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद सैनिटरी नैपकिन तैयार करने और स्वरोजगार के लिए ये मुहिम चलाई जा रही थी। इसको लेकर बेंगाबाद के मोतीलेधा में गांव में सेंटर खोलकर DDC के द्वारा धूमधाम से उद्घाटन भी करवाया गया, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही सप्ताह बाद लाखों रुपए की मशीनें खराब हो जाने से योजना ठंडे बस्ते में चली गई। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि बेकार मशीन और अधूरी योजना वाले इस यूनिट के संचालक को बेहतर काम करने के लिए CHC ने सम्मानित भी किया, लेकिन जैसे ही संचालक ने गड़बड़ मशीन की शिकायत सार्वजनिक की तो संस्था के लोगों की भ्रकुटी तन गई और अपना फर्जी बाड़ा उजागर होता देख उन लोगों ने यूनिट बंद करने का फरमान सुना दिया। वहीं इस बाबत सावित्री इंटरप्राइजेस संस्था के संचालक रोशन गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि CHC द्वारा नकली मशीन देकर 2,94,041 रुपए की वसूली कर ठगी की गई है, जबकि वरीय पदाधिकारियों को कई बार सूचना देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इधर स्थानीय मुखिया रामकुमार वर्मा ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाने हेतु ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे स्वरोजगार की उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन नकली और गठिया मशीन देने के कारण योजना धरातल पर उतरने से पहले ही रुक गई। इन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारी जांच कर उक्त मामले में कार्रवाई करें और सेंटर को फिर से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें, अन्यथा लिखित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बता दें कि इस यूनिट के बंद होने से दर्जनाधिक महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। सेंटर में कार्यरत महिलाओं ने कहा कि प्रशिक्षण में समय देने से उन्हें नुकसान ही हाथ लगा है, समय गवाकर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। मामला यही है कि हम लोग प्रशिक्षण लिए, प्रशिक्षण के बाद मतलब उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के बाद हम लोग 10-15 दिन काम किए, उसके बाद यहाँ पे काम बंद है। जब तक हम लोग सीखे तब से मशीन खराब है और काम बंद है, तो हम लोग यहाँ पे अभी बेकार हम लोग सब कोई बैठे हैं। मामला ये है सर कि हमने स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट मोतीलेधा गिरडीह में स्टार्ट किया है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन किया जा रहा है। अच्छा। जिसके कारण हमने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, जो कि CSC के तरफ से स्टार्ट किया गया था, और अभी तक इस प्रोजेक्ट को सही ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, और ना 3 लाख रुपए के हिसाब से ना मशीन दिया गया है, ना मटेरियल मिला है, और जो सामान टूटा हुआ निकला है वो अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। डिमांड कर रहे हैं हम लोग, 24 जुलाई 2018 में ही बोला गया था, और अभी तक हम लोगों को कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अब मैं लास्ट में कंज्यूमर ऑफिस में केस करने जा रहा हूँ। हमारा नुकसान बहुत बड़ा हुआ है इसमें, और जो महिला लोग काम कर रही थी 10 लोगों का पेमेंट करना भी बहुत बाकी है इन लोगों को। स्त्री स्वाभिमान अभियान के तहत मैंने काफ़ी प्रयास से इस यूनिट को अपने पंचायत में लगाया, ताकि हमारे पंचायत की महिलाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने काफ़ी महिलाओं ने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और कुछ महीने तक काम करके वो अपना अभी बेरोजगार बैठी हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि फिर से ये काम चालू हो और महिलाओं को रोजगार मिले। इधर CHC के राज्य स्तरीय पदाधिकारी शंभु कुमार से इस बाबत फोन पर बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि दिल्ली से ही सेंटर को बंद कराकर पैसा रिफंड करने का आदेश आया है। कुल मिलाकर मोटी रकम लेकर घटिया मैनुअल मशीनों की आपूर्ति बिना काम किए सम्मानित कर देना, बिना कारण सेंटर बंद कर देना और पूछे जाने पर कोई सटीक जवाब न देना कई गड़बड़ियों की ओर इंगित करता है। ये तमाम परिस्थितियां ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सेटिंग गेटिंग के सहारे CHC संचालित हो रही है और सरकार के तमाम योजनाओं की खाना पूर्ति कर संस्था मोटा माल डकार रही है। आप
देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ जंग।